काफ़ी कीचड़ है, पानी जमा हुआ है यहाँ पर, और गाड़ी को स्टार्टिंग हालत में निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस वजह से पैदल चलना पड़ा है मजबूरन। रोड के काय के नापी भी हुई और उस नापी के एतबार से गर्म जरूरत जमीरी स्नानी को निकालने के लिए हुआ, लेकिन ये MLC और विधायक ये सब मिल करके उस सबको दफन कर दिया। पवन जायसवाल जी, हमारे ये MLC साहब खालिद अनवर, पूर्व मुखिया फारूक, आतिक मुखिया, ये सब बोला वोट से पहले कहे कि 90 दिन में हम जीतने के बाद ये रोड चालू हो जाएगी। कब्रिस्तान में जाने के लिए लोगों ने ज़मीन तो दे दिया है, लेकिन उसको पक्काकरण करने के लिए, उसके बीच से नाला बना करके पोखरा में ले जाने के लिए यहाँ पे राजनीति हो रहा है। मांग करते हैं कि हमको नाली चाहिए, हमको पानी गिरा का सुविधा हो जाए, दूसरा कुछ हो ना। यहाँ पे जितने लोग आते जाते सब गाली दे के जाते आते हैं इस गांव में। पर जहाँ MLC हो, जहाँ सरपंच हो, जहाँ दो दो मुखिए हो, जहाँ मतलब के बगल में जो है ना फुलवरिया पवन जायसवाल हो, अब यहाँ मतलब कि इतने प्रतिनिधि है, किसी से जो है ना कोई काम करना चाहता ही नहीं है, निकासी जो है ना पानी का निकालना चाहता ही नहीं, ताकि लोग तकलीफ में रहे। मुखिया अगर काम भी करना चाहता है तो यहाँ का लोग है ना बाधित कर देता है। ढाका प्रखंड अंतर्गत ये बलुआ गांव में हम पहुंचे हैं। बॉर्डर डेवलपमेंट के अंदर ये रोड आता है, जिसकी स्थिति देखिए, यहाँ पर बिल्कुल पैदल चलना मुश्किल है लोगों को, आवागमन बिल्कुल बंद है। यहाँ पर लोग बॉर्डर पे जाना होता है, नेपाल में अगर क्रॉस करना होता है तो लोग रास्ता को बदल करके जा रहे हैं, रास्ता बदल करके जाना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी है। बिल्कुल देख सकते हैं बाइक वहाँ पर खड़ा है, हम बात करेंगे, इधर आइए। नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल माजिद है। पैदल क्यों चल रहे हैं? काफ़ी कीचड़ है, पानी जमा हुआ है यहाँ पर, और गाड़ी को स्टार्टिंग हालत में निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस वजह से पैदल चलना पड़ा है मजबूरन। कब से है ये दिक्कत? ये जब से बरसात शुरू हुआ तब से ये बढ़ गया है कीचड़, लेकिन लगभग 2 सालों से इस पर कोई काम नहीं हुआ है, और नाली का पानी भी सड़क पर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी भराई की जा गई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं अब तक सरकार की तरफ से किया गया, जिसकी वजह से लगातार बारिश होने की वजह से काफ़ी कीचड़ और पानी रोड पर जमा है, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, जिसका नतीजा है कि लोग पैदल और ऊपर पैजामा पैंट करके आना जाना कर रहा है। विधायक जी वादा किए थे 90 दिन? हाँ, चुनाव जब शुरू हुआ था तो विधायक जी यहाँ आम सभा किए थे, जिसमें घोषणा किए थे कि 90 दिन के अंदर में ही या 90 दिनों के बाद में मैं इसको पक्की सड़क में तब्दील कर दूंगा, लेकिन 90 दिन क्या है कि 6 महीना गुजर गया, अब तक विधायक जी की इस गांव में भी तक कदम नहीं रखा। विधायक जी का नाम बता दीजिए। विधायक जी का नाम है पवन जायसवाल। क्या मांग करते हैं पवन जायसवाल? विधायक जी से मांग यही है कि इस रोड को दुरुस्त किया जाए और नाले का जो पानी रोड पर जमा हो जाता है उसकी निकासी का बंदोबस्त किया जाए। कुछ लोग आगे दिख रहे हैं, जो घर है जिनके सामने, ये पूरा अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी परेशानी है। कुछ लोग वहाँ खड़े हैं जो घर वाले हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी परेशानी हो रही है उनको, और ये बिल्कुल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है ये रोड। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये घर आपका है? जी, मेरा घर है। नाम बताइए। अब्दुल हन्नान। बताइए कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, चूँकि जगह काफ़ी दिनों से, करीब करीब साल भर से ज़्यादा से यहाँ पानी का जमाव हो जा रहा है, नाली और रोड के ऊपर तरह तरह की मतलब के दिक्कत परेशानी हो रही है, नाली का पानी निकल नहीं जा रहा है। इससे पहले इस रोड के काय के नापी भी हुई और उस नापी के एतबार से गर्म जरूरत जमीरी स्नानी को निकालने के लिए हुआ, लेकिन ये MLC और विधायक ये सब मिल करके उस सबको दफन कर दिया और इसको कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये रोड का ये दुर्गति है, और यहाँ पानी कोई निकालने नहीं दे रहा है, जहाँ निकल रहा था वो भी कह के बंद कर दिया हुआ है। इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी, पैदल चलना मुश्किल है, 4 चक्का और ट्रैक्टर तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। आपके यहाँ खालिद अनवर MLC जो इसी गांव के हैं, तो
क्या उनका नजरिया है इस मुद्दे पर? उन लोगों का नजरिया यही है कि लोग रहे इसी तरीके से, इसको इस पंचायत में या इस गांव में कोई काम नहीं हो, इन लोगों का नजरिया यही है। आपके जो विधायक पहुंचे सवाल में वादा किए थे कि 90 दिन में हम डेवलपमेंट करेंगे इस रोड। ये फगुआ से पहले होली से पहले कहे कि उन्होंने वादा करके गए थे, लेकिन कहे कि एक भी मतलब अभी नई गांव में आए और न इसके ऊपर देख रेख किया न मतलब कि इसका कुछ काम किए। वो क्या चाहते हैं मांगा? हम लोग चाहते हैं यही है कि जल्द से जल्द इसका काम हो, रोड का और नाली का और पानी का समाधान। तो ये देख सकते हैं स्थिति, थोड़ा सा हटिए आप लोग, हटिए, ये कैमरे की नज़र में हम दिखाना चाहेंगे। और देखिए ये रोड है और नाली का पानी बिल्कुल रोड पर चल रहा है, देख सकते हैं कि गाड़ी के साथ साथ पैदल चलने वालों को कितनी दिक्कतें परेशानी हो सकती है। यहाँ से बगल में नेपाल का बॉर्डर है, रोहतहट ज़िले का नेपाल का बॉर्डर है, जो लोग ये रास्ता क्रॉस करते हैं लेकिन वो बिल्कुल इस रास्ता को बंद कर दिया हुआ है क्योंकि निकलने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग रास्ता को बदल करके बॉर्डर पर जा रहे हैं। ग्रामीण और हमारे साथ दिख रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। आइए जी, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाकिब आलम हूँ। क्या करते हैं? हम घर पे खेतीबाड़ी करते हैं। जहाँ वहाँ राजनीति हुआ, बंद हो गया पानी, और पवन जायसवाल जी हमारे ये MLC साहब खालिद अनवर, पूर्व मुखिया फारूक, आतिक मुखिया, ये सब बोला वोट से पहले कहे कि 90 दिन में हम जीतने के बाद ये रोड चालू हो जाएगी और पानी गिराने का समस्या दूर हो जाएगा। तो दूर तो नहीं हुआ और जमा हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों को। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हम लोग को रोड और नाला चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, रोड और नाला बाजार तक साफ होना चाहिए। चुनाव के बाद विधायक जी कभी दिखे हैं? अभी तक कभी तो नहीं आए हैं, आएंगे भी कि नहीं ये भी कोई पता नहीं। फिर फ़ोन वगैरह से कोई कनेक्टिविटी आप लोग? ना है हम लोग को फ़ोन उनसे कनेक्ट। गांव के कुछ लोग गए थे तो बोला कि वहाँ पानी गिराने का तुम लोग जमीन ले लो तभी हम रोड में हाथ लगाएंगे, यही बात सुनने में आई। स्वच्छ भारत और स्वच्छ इंडिया की यहाँ तक बात हो रही है लेकिन स्वच्छता कितनी है यहाँ इस बिहार के इस जहाँ पर जिस गांव में MLC हो, जिस गांव में मुखिया हो और जिस इलाके से MLA आते हो, और वहाँ की स्थिति है, दयनीय स्थिति है, जो बिल्कुल एक घातक बीमारी को दावत दे रहा है ये नाले का पानी, गंदा पानी। जदयू के ज़िला उपाध्यक्ष हमारे साथ मोहम्मद हारून है जी, बताइए पानी समस्या यहाँ पर दिख रही है, जो चलना मुश्किल है लोगों का, वजह क्या है इसका? इसका वजह यह है कि ये पानी जो है पहले एक निजी ज़मीन में जाकर के गिरता था, अब वो ज़मीन वाला जो है अपना ज़मीन अपने यूज में ले लिया है, उसके बाद पानी दूसरी जगह जाने का कोई जगह नहीं है, जिसके वजह से ये रोड पर जल जमाव हो रहा है। जल जमाव से बचने के लिए अभी हाल फिलहाल MLC साहब कुछ टुकड़े गिरवाए हैं, मिट्टी गिरवाए थे, तो बरसात नहीं था उससे पहले तो ठीक ठाक था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन अभी बारिश हो रही है, पानी निकासी का कोई उचित मार्ग नहीं है। और इस समस्या का मात्र एक निदान जो है, गांव के पश्चिम की तरफ पोखरा है, उसमें नाला बना करके अगर ले जाया जाए तो पानी का निदान हो जाएगा। और उस पर राजनीति चल रही है, निजी ज़मीन है, उन्होंने रोड के लिए कब्रिस्तान में जाने के लिए लोगों ने ज़मीन तो दे दिया है लेकिन उसको पक्काकरण करने के लिए उसके बीच से नाला बना करके पोखरा में ले जाने के लिए यहाँ पे राजनीति हो रहा है, जिसकी वजह से ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है। और यही सच्चाई है, इसका सोल्यूशन ये होगा कि विधायक महोदय, MLC महोदय और यहाँ के जो पंचायत के प्रतिनिधि महोदय हैं, ये लोग पहले आपस में एक मत हों और ये लोग अगर चाह ले तो आज का आज चला जाएगा, लेकिन अपने अपने वोटों की राजनीति है जिसकी वजह से कोई अपना वोट जो है गंवाना नहीं चाहता है, इसी वजह से ये समस्या है। कि कैमरे की नज़र में देखिए यहाँ से बिल्कुल 4 किलोमीटर का यही दशा है, यही हाल है, जो बिल्कुल पैदल चलना लोगों को मुश्किल है, गाड़ी से चलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है। यहाँ से बिल्कुल 4 किलोमीटर ये नेपाल का बॉर्डर है जहाँ पर लोगों को आना जाना पड़ता है, लेकिन अभी वक्त अभी फ़िलहाल ये रास्ता बिल्कुल बंद है। कुछ और ग्रामीण दिख रहे हैं, बात करेंगे। नाम बताइए। बद्रुद्दीन। किधर घर हुआ आपका? यही सामने है घर। बताइए कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है भाई, ऐसे बहुत दिन से ही परेशानी चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, ना कोई देख रहा है इसके तरफ।
गाड़ी तो गाड़ी पैदल नहीं आदमी जा सकता है, इधर दूसरे रास्ता से लोग जाता है बॉर्डर पर, बहुत परेशानी है। हम लोग को तो थोड़ा कम दिक्कत, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना अगल बगल में, इन लोग को और परेशानी है, और बाहर लोग वाले को तो और परेशानी ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका संविधान हो जाए, ये लोग इस पर राजनीति ना खेले, इसको किसी तरह से इसका संविधान कर दे कि सब लोग का भला हो जाए, लेकिन ये लोग चाह नहीं रहे हैं। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर होगा कैसे? कौन से चुनाव के लिए राजनीति, अभी पंचायत चुनाव के लिए? हाँ, यही मुखिया के चुनाव के लिए राजनीति हो रहा है। ये सब वो चाहते तो वो नहीं, वो चाहता तो वो नहीं, इसी तरह से रह जाता है। सामने कैमरा के सामने इधर 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 करके बोलिए, इधर बात करके बोलिए। ये विधायक फंड है तो उनका काम न है इस काम करने के लिए। तो विधायक जी तो जीत के गए तो आज तक ले फिर यहाँ कदम नहीं रखे, और कह के गए थे कि 90 दिन में हम इसको करा देंगे, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, आज तक ले फिर यहाँ आए नहीं भी। यही समस्या देख लीजिए आपके सामने है। क्या कहना है कि पैसा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन पानी का सलूशन हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए बाहर गांव के बाहर ज़मीन चाहिए, और वो ज़मीन जो है अभी अवेलेबल नहीं है। मात्र एक उपाय है चटिया में, चटिया जिसको पोखरा कहते हैं, उसमें पानी अगर चला जाता है तो सबसे अति सुंदर और ये 100 साल के लिए समाधान हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम बताइए। नसीबुन खातून। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। कैसे आते जाते? बहुत परेशानी से आते जाते हैं, जाने आने का तो कोई मतलब कि समझाने नहीं है, कि बहुत हालत बिगड़ जाता है लोग के आने, गाड़ी घोड़ा सब आता है तो इसी में मतलब हचक जाता है, तो ट्रैक्टर आता है तो उसी से निकलता है, छोटा से छोटा टेम्पू गाड़ी हचक जाता है, वह के लिए नहीं साधन है कि गाड़ी निकले, दो चक्का गाड़ी नहीं निकलता है, मोटरसाइकिलो नहीं निकलता है। इलेक्शन में जनप्रतिनिधि आते हैं, समस्या के लिए बात होती है कि हम समस्या को दूर करेंगे, लेकिन जीतने के बाद उनका कोई रोल नहीं होता है, क्या कहना नहीं हुआ कुछ ना, कोनो समस्या ना निकलते नाली का ना रोड का, कि हाँ पानी कैसे जाए। क्या मांग करते हैं? हमने मांग करते हैं कि हमको नाली चाहिए, हमको पानी गिरा का सुविधा हो जाए, दूसरा कुछ हो ना, हमने के मतलब कि 10 भाई लोग चल रहा है तो उसके लिए बढ़िया रोड हो जाए आने जाने के लिए, दूसरा हमने कथी कहे। नाम बताइए। जी तरन्नुम बेगम। जोर से बोलिएगा। तरन्नुम बेगम। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, बारिश होता तो हमारे घर में पूरे पानी पानी हो जाता है। क्या मांग करते हैं? यही कि नाली बन जाए और रोड निकल जाए, यहाँ पे जितने लोग आते जाते सब गाली दे के जाते आते हैं इस गांव में से। रहमुल्ला। जोर से बोलिए। रहमुल्ला। रहमुल्ला जी, ये पानी है काफ़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी में बिल्कुल बाढ़ से पहले बाढ़ की स्थिति दिख रहा है, क्या कहें? बिगड़त है, बहुत परेशानी है, रोड रास्ता नाला इसका तो बिगड़त है ही है इस गांव में। अब लोग प्रतिनिधि लोग आते हैं, हाँ बना देंगे, हो जाएगा वो जाएगा, बनता है ही नहीं। प्रतिनिधि MLC साहब इसी गांव के हैं, मुखिया जी इसी गांव के हैं, फिर भी ऐसा क्यों मामला हो रहा है? इसी गांव के हैं, लोग करना कराना नहीं चाहते हैं, करना चाहे दिक्कत कहाँ, समस्या किसको मानते जी? समस्या कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ पे हो रही है? दिक्कत यहाँ से लेकर के चौक पर तक है, पानी कहीं पर निकासी होने नहीं दे रहा है, लोग कह रहा है कि हमारा जमीन है, हमारा जमीन है, तो ये जाएगा कहाँ? सरकारी जहाँ है वहाँ निकालिए, तो वहाँ पे क्यों दीजिए? तो सरकारी जगह पर क्यों नहीं दिया जाना? सरकारी जगह पर अब लोग निकालते ही नहीं रहे हैं, सुबह बोलते हैं कि हम करेंगे तो वो रुस जाएगा, वो देगा तो वो रुस जाएगा, आप कहा कि अब लोग को सोचता है कि हमारा वोट गड़बड़ हो जाएगा, हमारा वोट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इस का दशा है। घर में से निकलना जुलूम है, सारा लोग को परेशानी है इतना दूर में। मांग बताइए। मांग है कि हमको ये रोड बन जाए, नाला बन जाए, आपका चाहिए कुछ ना? नाम बताइए। मुनाजिर हुसैन। बताइए आप क्या कहेंगे इस नापाक पानी, गंदा पानी, जो लोगों को मुश्किल हो रही है आना जाना? नापाक पानी को तो सारे लोग समझते हैं कि कैसे पानी होते हैं, हम लोग को मतलब कि इस टोला वाले को निकलना मुश्किल होता है, बाकी जो नेपाल वाले आते हैं, इधर वाले आते हैं, बाकी जो घर वाले हैं, काफ़ी परेशानी होती है, ऐसे मतलब कि बोलेरो जो नहा चकता है तो उनको भी जो है ना जेम का खर्चा नहीं रहता, पैसा देना पड़ता है, बाकी मतलब कि जो पर जहाँ MLC हो, जहाँ सरपंच हो, जहाँ दो दो मुखिया हो, जहाँ मतलब के बगल में जो है ना फुलवरिया पवन जायसवाल हो, अब यहाँ मतलब कि इतने प्रतिनिधि हैं, किसी से जो है ना कोई काम करना चाहता ही नहीं है, निकासी जो है ना पानी का निकालना चाहता ही नहीं, ताकि लोग तकलीफ में रहे, सिर्फ मतलब कि वोट लेने के लिए उस वक्त जो है ना दुआ सलाम होती है, बाकी उसके बाद मतलब कि मतलब परस्ती की बात हो जाती है कि हमको जो है ना वहाँ नहीं जाना है, पब्लिक से नहीं मिलना है, मेरा काम हो गया, फिर 5 साल के बाद हो, 3 साल के बाद हो, हम जाएंगे सिर्फ वोट मांगने के लिए, बस
बाकी जो लोग हैं जिस परेशानी में है जैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे उससे हमको नहीं पूछना है कि कैसे परेशानी है, नापाक पानी में चलना है, क्या निकासी है, कहीं मतलब कि निकासी निकालना है, उस पर भी जो है ना कोई समझौता नहीं है, उसकी फिक्र ही नहीं है कि मतलब कि किस तरह पब्लिक को जो है ना सहूलत मिले। बाकी रहा मतलब कि अगर एमएलसी के फंड में हो या प्रतिनिधि मुखिया के फंड में हो या सरपंच के फंड में हो विधायक के फंड में हो या रामा देवी के फंड में हो तो सारे लोग मतलब के करेंगे तब जाके होगा, ये करना कोई नहीं चाहते हैं, इसलिए मतलब के हमेशा ये रास्ते में परेशानी होती है। पब्लिक को जो रहने वाले हैं यहाँ उसको तो काफ़ी परेशानी है, बाकी आने जाने वाले हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत है, गिरते भी हैं, पड़ते भी हैं, पैसा भी लगाते हैं, फिर भी आके मतलब कि वैसे ही मतलब कि गाली जो है ना प्रतिनिधि को देकर जाते हैं, मुखिया को देकर जाते हैं, सरपंच को देकर जाते हैं, बाकी विधायक को देकर जाते हैं। मांग बताइए, मांग के पब्लिक को क्या मांग चाहिए? पब्लिक को ये है कि रास्ता जो है ना बिल्कुल जो है ना फ्रेश हो, ताकि मतलब के शहर में जिस तरह चलते हैं हम देहात में भी चलेंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको जब सेलेक्ट करते हैं, वोट दे रहे हैं, तो हमारी मांग ये है कि सड़क भी अच्छी हो, पानी का निकासी भी हो, नाला भी हो, बस दूसरा कोई मांग नहीं है। यहाँ पर कुछ और ग्रामीण यहाँ दिख रहे हैं जो बिल्कुल इसी मुद्दे के लिए यहाँ पर खड़े हैं, बात करेंगे। नाम बताइए। नाम मोहम्मद सगीर है। ये जो समस्या है चलना मुश्किल है लोगों को, किसको वजह मानते हैं? वजह मतलब यहाँ का जनता दोषी है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी पंचायत का मुखिया ये नहीं चाहेगा कि हमारा जनता दुखी रहे, मतलब सूखा रोड पर चले, लेकिन मुखिया अगर काम भी करना चाहता है तो यहाँ का लोग है ना बाधित कर देता है। हम ही अगर आगे आते हैं तो इसमें कोई ना कोई ताकत पीछे है, वही सब मतलब रोक लगा देता है, समझे कि नहीं। मुखिया कई मरतबा ये पानी का हल निकालना चाहे लेकिन 10 आदमी आ जाता है। बॉर्डर डेवलपमेंट का ये रोड है जो अंडायक के अंडर में एमएलए के, उन पर क्या कहेंगे? ये तो विधायक जी का ही बनवाया हुआ था, इस पर हमारे प्रतिनिधि कई मरतबा चाहे इसको सुधार करने के लिए, लेकिन हम और आप यहाँ की जनता इस पर ब्रेक लगा दिया। शायद इसके पीछे मतलब कोई ना कोई ताकत है, वो अपनी राजनीतिक चमकाना चाहता है। कुल मिलाकर के बात यहाँ समझ में आ रही है कि बिल्कुल ये रोड और नाली का पानी जो निकासी नहीं हो रहा है, ये रोड बिल्कुल राजनीति के घेरे में है। बॉर्डर डेवलपमेंट के अंदर का ये रोड है जो बिल्कुल एमएलए ही कर सकता है। अब देखना है कि जनप्रतिनिधि की आँख कब खुलती है और लोगों को इस अशुद्ध पानी से, नापाक पानी से कब राहत मिलता है। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ समीला चंपारणी, एसटीवी न्यूज़।